साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल, इस जेल को लेकर हमेशा ऐसा कहा जाता है कि यहां का पैरा इतना सख्त है कि बिना इजाजत एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन वही जेल अब सुर्खियों में भी लगातार बनी हुई है, कभी हत्या तो कभी मारपीट को लेकर। तो चलिए एक बार जानते हैं तिहाड़ जेल के अंदर की सुरक्षा के लेकर ओर से लेके छोर तक सब कुछ। भारत की सबसे सुरक्षित और एशिया की सबसे बड़ी जेल में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं। ऐसा करने का मकसद ये रहता है कि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान यहाँ के कैदियों और स्टाफ की भाषा नहीं समझ पाते, क्योंकि तमिलनाडु में ज्यादातर लोग आम बोलचाल में तमिल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें हिंदी नहीं समझ आती। ऐसे में अगर जेल में तैनात जवान और कैदी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाएंगे तो दोनों के बीच बातचीत भी कम होगी और किसी तरह का करप्शन, लापरवाही और कैदियों को रियायत देने की आशंका कम हो जाएगी। मौजूदा वक्त में यहां 1000 से ज्यादा तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान तैनात हैं। इनका काम तिहाड़ परिसर में स्थित 9 जेलों में आने वाले सभी कैदियों की तलाशी लेना, ताकि कैदी किसी भी तरह से जेल के अंदर ड्रग्स और मोबाइल जैसा कोई सामान ले जाने में कामयाब न हो पाए। हालांकि तमिल स्पेशल पुलिस की सिक्योरिटी पर सवाल तब उठने लगा जब इतने सख्त नियम और तलाशी के बाद भी गैंगस्टर जेल के अंदर न सिर्फ मोबाइल ले जा रहे हैं, बल्कि जेल में होने के बाद भी बाहर के लोगों को फोन पर डराते, धमकाते और उनका मर्डर तक कराने में कामयाब हो रहे हैं। तिहाड़ जेल को भारत की सबसे सुरक्षित और मॉडर्न जेल माना जाता है। आज भी पूरी दुनिया से लोग जेल के मॉडल को समझने भारत पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे पहले तिहाड़ जेल ही दिखाई जाती है। कितनी सख्त है तिहाड़ जेल? 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की 3 शिफ्ट में तैनाती। जेल में 7000 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। वॉकी टॉकी से लैस पुलिसकर्मी। जेल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। इंटरनेट कनेक्टिविटी रोकने के लिए जैमर। तिहाड़ जेल करीब 400 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 9 सेंट्रल जेल शामिल है और हर जेल में अलग अलग तरह के कैदी रहते हैं और उनका बंटवारा उनके नाम, लिंग, क्राइम और सजा के आधार पर किया जाता है। बताया जाता है कि इस जेल में पेपर मेकिंग, टेलरिंग, पॉटरी, शू मेकिंग और बैंकिंग जैसे बिजनेस भी चल रहे हैं। काम के साथ ये भी तय किया जाता है कि आखिर कौन सा कैदी कहां और किस बैरक में रहेगा। कैदियों के बैरक का बंटवारा। जेल नंबर 1, एस और वाई अल्फाबेट के नाम से शुरू होने वाले कैदी। जेल नंबर 2, 10 साल से ज्यादा सजा काट रहे कैदी। जेल नंबर 3, BVCDEF और जी अल्फाबेट से शुरू होने वाले कैदी। जेल नंबर 4, ए और आर नाम से शुरू होने वाले कैदी। जेल नंबर 5, 10 साल से कम सजा वाले कैदी। जेल नंबर 7, महिला कैदियों की जगह। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे कैदियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए करीब 100 डॉक्टर की टीम, जिसमें स्पेशलिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, रेजिडेंट शामिल हैं। इसके अलावा 71 नर्सिंग स्टाफ भी हैं। साथ ही जेल के लिए 120 बेड का अस्पताल भी है और आपातकालीन स्थिति के लिए खास व्यवस्था है। सजा काट रहे कैदियों से मुलाकात के लिए भी व्यवस्था है, जिसमें जेल के हिसाब से समय तय की जाती है। उस समय पर कैदी के परिवार उससे मुलाकात कर सकते हैं। कैदियों का एनजीओ की मदद से शिक्षा, धर्म आदि का ध्यान रखा जाता है। कैदियों को मुफ्त कानूनी जानकारी दी जाती है। कैदियों के लिए कोर्ट की कार्यवाही को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी व्यवस्था है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी जो तिहाड़ जेल है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि हम सभी ने देखा टिल्लू ताजपुरिया के हत्याकांड, उसके बाद से ही लगातार अब कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।